ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये है पैरामिलिट्री फोर्स की साइकिल यात्रा जो लेह से चलकर आज रोहतक पहुंची। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसको लेकर ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के जवानों ने लद्दाख से साइकिल यात्रा 27 अगस्त को शुरू की, जो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल होगी। परेड 26 अक्टूबर 2021 को गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके संपन्न होगी। देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव साइकिल रैली निकालकर शहीदों को याद किया जा रहा है। आज ITBP के जवान रोहतक के मानसरोवर पार्क में पहुंचे और शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने ITBP पैरामिलिट्री फोर्स के IG ईश्वर सिंह दुहन समेत सभी साइकिलिंग कर रहे जवानों को बुके देकर स्वागत किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही देश की पैरामिलिट्री फोर्स अर्थात आज़ादी के इस 75वीं वर्षगांठ पर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर युवाओं को देश के प्रति बलिदान देने वाले उन महान शहीदों को याद किया जा रहा है। ITBP के IG ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि ये आज़ादी का पर्व है, जिसमें देश के पैरामिलिट्री फोर्स के जवान अलग अलग हिस्सों में जाकर युवाओं को शहीदों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साइकिल यात्रा 27 अगस्त को शुरू की थी और 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में ख़त्म होगी। ये जो साइकिल यात्रा भारत तिब्बत सीमा पुलिस करा रही है, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव इस देश द्वारा मनाया जा रहा है, जैसा कि आपको विदित है, भारत की आज़ादी का 75वां वर्ष जो है अभी चल रहा है, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों में जो आज़ादी की भावना है, जो हमारे पूर्वजों ने जो इस आज़ादी को लेने में जो सेक्रीफाइस किया है, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमने ये साइकिल रैली लद्दाख से शुरू की है और उस जगह से शुरू की है जहाँ पर भारत की रक्षा करते हुए पुलिस के 10 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति लगाई 1959 में, और उसी उपलक्ष में 21 अक्टूबर को पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। अत्यंत दुर्गम इलाके से शुरू होकर विभिन्न कठिनाइयों को पार करते हुए लद्दाख हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये जलियांवाला बाग पहुंची थी, उसके उपरांत ये साइकिल रैली यहां से होते हुए दिल्ली से होते हुए और पूरा राजस्थान कवर करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस पर, जो कि हमारे पूर्व डिप्टी पीएम और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा वहां पर लगाई गई है, उसके उपलक्ष में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, वहां पर यह साइकिल रैली का समापन होगा और वहां पर जो परेड आयोजित की जाएगी उस परेड में भाग लेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन उनके लिए खुशी का दिन है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर लेह से चलकर ये यात्रा रोहतक पहुंची है और रोहतक वासियों को भी जागरूक कर रही है। उन्हें भी यात्रा कर रहे जवानों की सेवा करने का मौका मिला है। उनका कहना है कि यात्रा कर रहे इन जवानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी रोहतक में नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अपना रूट इस तरह से डिवाइड किया कि वो रोहतक ज़िले को भी छूकर जाएं, रोहतक ज़िले में भी अपने कदम रखें। ये हमारे लिए सही में फ़ख्र की बात है और इन सब के लिए, इस चीज़ के लिए स्पेशली मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम इसके लिए आपके आभारी हैं, जिला आपका आभारी है। दूसरा, IG साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह से इस रैली का उद्देश्य क्या है और किस तरह से आप संदेश दे रहे हैं, बस मैं उसमें कुछ ही बातें जोड़ना चाहूँगा। देखिए, इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं। हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए, जो आज़ादी की जो जनरेशन थी, जिन्होंने कितने दुख कष्ट सहे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जेलों में बिता दी, जिन्होंने शायद जवान होने के बाद दोबारा अपने घर के दर्शन नहीं किए, जेलों में रहे, तो फांसी पर चढ़ गया या जेल में रहते रहते ही मर गए या दूसरी यात्राएं सहते सहते मर गए या फिर बाल्यावस्था से ही इस मिशन में लग गए थे। अब वो धीरे धीरे वो जनरेशन हमारी खत्म होती जा रही है और दूसरी जनरेशन जो है वो इस समय पैदा, उस समय आई है वजूद में, जिनको इन सब कुर्बानियों का भान नहीं है, एहसास नहीं है। इसलिए ये सब बहुत जरूरी है कि आज़ादी हमें किस तरह से और कितनी कुर्बानियों के साथ मिली है और ये कितनी कीमती है,
इसका हमारी नई जनरेशन को, युवा पीढ़ी को एहसास कराया जाए।